आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द मैजिक रेसिपी में। आज मैं आपके साथ सोयाबीन कीमा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। यह बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। सोयाबीन सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यदि आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए यह टेस्टी सी सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सोयाबीन कीमा बनाने के लिए मैंने सोयाबीन को उबाल के और अच्छे से ठंडा कर लिया है। इसको दो तीन पानी धो लिया है। अब इसे निचोड़ के और मिनी चॉपर में डालते जाएंगे। मैं इसी में इसको चॉप करने वाली हूँ। आप चाहे तो मिक्सर जार में भी इसको चॉप कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो इसीलिए मैं इसी में ही चॉप करूँगी। देखिए यहाँ मैंने सारी सोया बड़ी को चॉप कर लिया है। और इसी में ही मैंने प्याज और टमाटर को भी चॉप करके रख लिया है। इसी तरीके का हमें चाहिए। तो अब मैं कढ़ाई में ये दो तीन चम्मच के करीब तेल लूंगी। इसमें डाल दूंगी पचफोरन, दो तीन तेज पत्ता, थोड़ी सी हींग। सारी चीजों को चटकने देंगे। तो यहाँ मेरा पचफोरन तैयार हो गया है। तो अब इसमें हम प्याज डालेंगे। तो ये दो प्याज है बड़ी साइज की। इसमें मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च भी डाल ली है। तो मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। यहाँ मैंने दो हरी मिर्च, सात आठ लहसुन की और थोड़ी सी अदरक डाली है। सारे को चॉप करके ले लिया है। अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे। तो दो तीन मिनट बाद कुछ इस तरीके से प्याज हमारा भून गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे दो चम्मच बेसन। बेसन डालने से इस सब्जी में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। और प्याज के साथ बेसन भी अच्छे से भून जाता है, तो इसके कच्चे रहने की संभावना नहीं रहती है। बेसन और प्याज अच्छे से भून चुका है। तो अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर। तो टमाटर भी मैंने धो लिया है, उसको चॉप करके ले लिया है। टमाटर को भी अच्छे से इसमें भून लेंगे। सारी चीजें मेरे अच्छे से भून चुकी हैं। तो अब इसमें हम कुछ मसाले डाल लेते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो मैंने यहाँ डेढ़ छोटा चम्मच नमक लिया है, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और ये दो चम्मच धनिया पाउडर। इसमें मैंने जीरा और गोलमिर्च का मिक्स लिया है, तो इसलिए मैं इसे दो चम्मच डाल रही हूँ। और अब दो बड़ी चम्मच दही डाल के और इसको दही के साथ ही मसालों को अच्छे से भूनेंगे। इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। सारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं और तेल भी रिलीज होने लगा है। तो अब इसमें हम अपना सोयाबीन कीमा डाल देंगे। और डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहे तो इसे सूखा भी रख सकते हैं, यानी बिना पानी के ही इसी तरीके से थोड़ी देर भून के और इसे तैयार कर लेंगे। तो ये सारी चीजें अच्छे से मिल चुकी हैं, लेकिन मैं इसमें जूस वाला बना रही हूँ। तो इसमें
पानी डाल रही हूँ। तो यहाँ मैंने एक कप के करीब पानी डाल दिया है। पानी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। यह बहुत ही टेस्टी बनती है, तो एक बार आप घर में अपने जरूर ट्राई करें। और अब इसे ढककर 5 मिनट पका लेंगे। पांच मिनट के बाद देखिए कितनी बढ़िया सी सब्जी मेरी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखने में कितनी बढ़िया लग रही है। और अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और इसे चला लेंगे। अभी इसमें थोड़ा सा हम गरम मसाला भी डालेंगे। ये चौथाई चम्मच के करीब इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद इसे हम 2-3 मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि मसाले की खुशबू अच्छे से इसमें फैल जाए। उसके बाद इसे हम सर्व करेंगे। तो यहाँ मैंने इसको सर्व किया है चपाती के साथ या चावल के साथ, चाहे जिस भी चीज़ के साथ आप इसे खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।